हेलो दोस्तों, आरके एग्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई वैरायटी के बारे में बताएंगे जो कि हमारे खेत में हमने लगाई हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वैरायटी की कंडीशन कुछ इस प्रकार से हैं। आज इस वैरायटी को लगभग 80 दिन हो चुके हैं। 80 दिनों के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। ये देखिए दोस्तों, फलियाँ भी इसमें बन चुकी हैं, दाने भी इसमें थोड़ा सा भरा चुका है और इसका सीडरेज भी कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज इस वेराइटी को 80 दिन हो चुके हैं। और वेराइटी की बात करें तो यह वेराइटी 2107 है, 2107 जो कि एक बहुत चर्चित वेराइटी है। और इस समय सभी किसान भाइयों ने इस वेराइटी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोया हुआ है, क्योंकि इसकी उपज बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिसके कारण सभी किसान भाइयों की यह सबसे प्रिय वेराइटी होती है। इसकी बात करें तो यह 110 से 115 दिन की वेराइटी होती है, जो कि एक लंबी वेराइटी है। इसके कारण इसे जहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो वहीं पर बोना चाहिए। और इस वैरायटी में ऊपर से खाद देने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक बहुत लंबी वैरायटी है। लंबी वैरायटी होने के कारण इसमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए हमें ऊपर से इसमें दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण यह वैरायटी बहुत खर्च बढ़ाती है। और खरीफ की फसल में खर्च बढ़ना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खरीफ की फसल का कोई भी भरोसा नहीं होता, जिसके कारण हमें अपने खेतों में ऐसी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे हमारा खर्च भी कम हो। लेकिन यह वैरायटी खर्च के साथ उतना ही उपज अधिक देती है, जिसके कारण सभी किसान भाई इस वैरायटी को पसंद करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यह वैरायटी कितनी अच्छी तरीके से लगी हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।